हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, स्वागत है जीवित परमेश्वर की हुजूरी में। हालेलुया, मैं पास्टर प्रदीप कुमार आप लोगों का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, सब शक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु यीशु मसीह, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते पिता सुंदर समय के लिए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु जी, इस समय प्रभु आप हमारे जीवन में प्रभु समय लेकर आए पिता, आपको धन्यवाद करते पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, आज के कहे जाने वाले वचनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। जितने भी लोग पिता हमारे साथ पिता आपके वचन पर मनन करें मेरे प्रभु जी, हाँ मेरे प्रभु, हर एक पर तेरी सामर्थ उतरे मेरे पिता, तेरी पवित्र आत्मा उतरे मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, और वचन पर चलने वाले बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और हम पिता आज का वचन, हम सब पिता जितने भी लोग पिता हमको देख रहे पिता, मेरे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से 100 के 100 गुना फल लेके आने पाए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद पिता, अभी के समय को हम आपके हाथों में सौंप दें, पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें। यस मेरे परमेश्वर पिता, निवेदिक याग से हमारे होठों को पवित्र कर मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, हमारी बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले मेरे प्रभु जी। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ रोमियों की पत्री निकालेंगे बाइबल से, और उसका 8वां अध्याय और वचन 6 हम पढ़ेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। जी हाँ, ये वचन मेरे मन में प्रभु ने डाला कि आज मैं प्रभु के द्वारा आप लोगों से बातचीत करूँ और प्रभु से भी मनन करूँ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, प्रभु की बात पर मनन करूँ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। आज वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आज सब लोगों के मन में यही क्वेश्चन रहता है और एक दूसरे से पूछते हैं कि हमें शांति मिल जाए, सुख और शांति हमारे जीवन में हो, कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में ना हो, कोई समस्या हमारे जीवन में ना हो, हम और हमारा घर और हमारा परिवार, हमारे रिलेशन में जितने भी लोग हैं वो सब खुश रहें, आराम से रहें। हालेलुया, क्या ये हो सकता है? परमेश्वर की महिमा, मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, आइए इसी विषय पर हम आज मनन करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। जी हाँ, रोमियों की पत्री और उसका 8वां अध्याय और वचन 6 हम पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, अर्थात वचन हमें इस प्रकार कहता है, यदि शरीर पे मन लगाएंगे तो क्या मिलेगी? मृत्यु मिलेगी, यदि आत्मा पर मन लगाएंगे तो क्या मिलेगा? जीवन और शांति मिलेगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आत्मा पर मन लगाने से क्या मिलता है? जीवन और शांति मिलती है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। सब कुछ शरीर के लिए, खाना, कपड़ा और मकान, सब कुछ शरीर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। जी हाँ, तो हमें क्या करना है? हमें, यदि जीवन हम चाहते हैं तो हमें आत्मा पर मन लगाना है, शरीर की बातों को दूर करना है और आत्मा पर मन लगाना है।
तो क्या मिलेगा? जीवन और शांति मिलेगी। शांति पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है, जीवन भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, जी हाँ। लेकिन एक वचन हमें प्रभु का मिला और हम यूहन्ना 4 एक वचन पढ़ेंगे वहाँ पर हम, और वचन 24 प्रभु हमें इस प्रकार कहता है। हालेलुया, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, और अभी हमने रोमियो के पत्री में पढ़ा कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। हालेलुया, यहाँ पर आत्मा की बात हम कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा, क्योंकि सबको जीवन चाहिए, सबको जीवन चाहिए, सबको शांति चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी, वो आत्मा, लिखा है आत्मा पर मन लगाना, अर्थात आत्मा पर मन लगाएंगे तो क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। और यूहन्ना 4:24 में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, अर्थात वचन हमें यहाँ पर मिलता है कि हम परमेश्वर पर मन लगाएंगे। अर्थात यहाँ पर हमने पढ़ा रोमियो में, तो वहां पे लिखा है आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है, और आत्मा है परमेश्वर, अर्थात परमेश्वर पर मन लगाएंगे तो क्या मिलेगी? जीवन और शांति मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, परमेश्वर पर मन लगाएंगे तो क्या मिलेगी? शांति और जीवन मिलेगा, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और यदि हम यूहन्ना का पहला अध्याय पढ़ें तो वहां पर हमें किस प्रकार पहला अध्याय और पहला वचन, हालेलुया, लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, जी हाँ, रोमियो की पत्री कहती है कि आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है, और आत्मा है परमेश्वर और परमेश्वर है वचन। अर्थात हम यहाँ पर सीखते हैं कि वचन पर मन लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा और शांति मिलेगी। हालेलुया, तो क्या करना पड़ेगा जीवन और शांति पाने के लिए? कहीं पैसा खर्च नहीं करना है। हालेलुया, यहाँ पर पैसा खर्च करने की बात नहीं हुई, यहाँ पर केवल अपना मन लगाने की बात हो रही है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, तो प्रभु हमसे कहता है कि यदि वचन पर मन लगाएंगे तो क्या मिलेगी? शांति मिलेगी और जीवन मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, और यूहन्ना 14:6 में इस प्रकार कहता है। हालेलुया, यूहन्ना 14:6 हमें इस प्रकार कहता है, यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अर्थात जीवन मिलेगा यीशु पर विश्वास करने से। हालेलुया, यीशु पर मन लगाने से। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और यूहन्ना 14:27 में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। अर्थात मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ। हालेलुया, किनको कहा उसने? जो उसके चेले थे, जो उसकी बातों पर मन लगाते थे, जो उसका विश्वास करते थे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। जो उस पर विश्वास करने वाले लोग थे, उन्हीं को यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ। हालेलुया,
परमेश्वर की महिमा। तो शांति कैसे मिलेगी? यीशु की बातों पर मन लगाने की। यदि आप संसार की बातों पर मन लगाएंगे तो शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की किसी भी वस्तु से प्रेम रखो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, अर्थात तुम उन संसार से और संसार में की किसी भी वस्तु पर मन मत लगाओ। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मन लगाओ तो किस पर? परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह के वचन पर मन लगाओ। हालेलुया, तो क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा और शांति मिलेगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन शांति उनके पास नहीं है। परमेश्वर की महिमा। सब कुछ है उनके पास, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है उनके पास लेकिन शांति नहीं है। हालेलुया, एक पेटो के काम की पत्री में यदि हम वहाँ पे पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे और एक लंगड़ा भिखारी वहाँ पर बैठा हुआ था और वो उनकी ओर ताकने लगा और वहाँ पर पतरस ने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि उनके पास सोना चांदी था नहीं। उनके पास क्या था? उनके पास वो शांति थी। हालेलुया, वो आनंद था। हालेलुया, वो जीवन था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, जो उनको यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मिला था। उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम ऐसे में नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा कि जो है वो हम तुझे देते हैं। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, क्योंकि यीशु नाम ऐसा नाम है सारे नामों के ऊपर का नाम। हालेलुया, उसी के द्वारा जीवन मिलता है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर कहता है कि जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही जीवन मिलता है और शांति मिलती है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, ऐसा जीवन नहीं जिसमें प्रॉब्लम है, जिसमें समस्या है, जिसमें समस्या है, परेशानी है, ऐसा जीवन नहीं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, जिसमें तुम आनंद करो। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम यूहन्ना और उसका 20वां अध्याय पढ़ें और उसका 19वां वचन 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे ध्यान से। हालेलुया, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। यीशु ने अपने चेलों से कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, क्योंकि वो शांति का राजकुमार। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया, और यहाँ पर उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। हालेलुया, यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब उनको क्या मिली? शांति मिली। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, प्रभु चाहता था कि उनको कुछ भी उनके पास ना हो फिर भी उनके पास शांति हो। हालेलुया, क्योंकि यीशु ने कहा मत्ती की पुस्तक में कि चिंता ना करना क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या कैसे करेंगे हम अपना काम। हालेलुया, चिंता ना करना, पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया, परमेश्वर की। हालेलुया, चिंता ना करना। हालेलुया,
प्रभु कहता चिंता ना करना। चेलों को चिंता थी कि हमारा प्रभु चला गया है, लेकिन जब वो आया उसने उनको देखा और उन्होंने उसको देखा और यीशु ने अपना हाथ अपना पंजर दिखाया, वे आनंद से भर गए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया, वैसे ही मैं तुम्हें जैसे पिता ने मुझको शांति दी है और मुझको भेजा है वैसे ही मैं तुमको शांति देता हूं और भेजता हूं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, और यीशु मसीह ने कहा कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। सुख और शांति किस तरह मिलती है? यीशु की बातों पर मन लगाने से। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों के पास शांति नहीं है। आज भी वो रात रात भर जागते हैं, सोचते रहते हैं किस तरह हम अपने बेटे का शादी करेंगे, किस तरह अपनी बेटी का शादी करेंगे, किस तरह हम अपना घर बनाएंगे। परिवार में झगड़ा है, प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है हर जगह। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। कहीं शांति नहीं। हालेलुया, कहाँ है? यीशु के पास, परमेश्वर की महिमा। क्योंकि उसने कहा जो आत्मा पर मन लगाता है उसको जीवन और शांति मिलती है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया, जी हाँ, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन तो जी रहे हैं लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, ऐसा नहीं बल्कि बहुतायत का जीवन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज भी लोग जीवन तो जी रहे हैं बीमारी भरा, प्रॉब्लम्स भरा, झगड़ों भरा, समस्या भरा और पाप भरा जीवन जी रहे। हालेलुया, लेकिन यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। हालेलुया, और बहुतायत का जीवन तुमको देने के लिए आया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। तो हे मेरे भाई और बहनों, यदि हम यीशु मसीह पर मन लगाएंगे, यीशु मसीह की बातों पर मन लगाएंगे, बाइबल पर मन लगाएंगे, बाइबल पर मनन करेंगे, हालेलुया, या बाइबल की वचनों को हम अध्ययन करेंगे, परमेश्वर की महिमा, तो क्या मिलेगा? जीवन और शांति मिलेगी। हालेलुया, जो ना किसी पैसे से मिलती है, ना डॉलर खर्च करने से मिलती है। हालेलुया, वो कैसे मिलती है? विश्वास के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा और परमेश्वर पर मन लगाने के द्वारा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। जी हाँ, तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिलेशन में, पति पत्नी के बीच या किसी भी रिलेशन में या कहीं भी हम चाहते हैं कि हमें शांति मिले, तो उसके लिए हमें यीशु की बातों पर मन लगाना जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया, आइए, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप सब मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, सब शक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, तो महान हो मेरे पिता। जितने लोगों ने प्रभु आज आपके वचन को सुना मेरे प्रभु जी, और विश्वास किया मेरे परमेश्वर कि वो परमेश्वर की शांति, वो यीशु मसीह की शांति हमको परमेश्वर पर मन लगाने के द्वारा मिल सकती है। हाँ मेरे प्रभु जी, यस मेरे पिता, आज उनके जीवन में शांति आने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, चाहे उनके जीवन में कैसी परेशानी क्यों ना मेरे पिता, आज मैं उनकी परेशानी को यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ और आग गिराता हूँ। इसी घड़ी उनके जीवन को छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम से।
यस मेरे पिता, जिन पति पत्नी के बीच में उनके रिश्तों में शांति नहीं मेरे प्रभु जी, इसी घड़ी उनके जीवन में प्रभु शांति आ जाए मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, यस मेरे पिता, तेरा अभिषेक मेरे पिता परमेश्वर हर व्यक्ति के ऊपर तुमने पाए मेरे पिता। जितने लोग मेरे प्रभु जी हमको देख रहे हैं प्रभु जी, हमारे साथ जुड़े मेरे पिता, ऑनलाइन प्रभु हमारे साथ प्रार्थना करें मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी तेरा सामर्थ्य बढ़ा तुमको छूने पाए मेरे पिता। आज मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवन में शांति आने पाए मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा कि तुमको सेंटमेंट मिला है, तुमने पाया है, तुम भी सेंटमेंट दो मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु आपने कहा तुमको शांति मिले, आज मैं प्रभु हाँ मेरे परमेश्वर तेरा दास होने के नाते मेरे पिता मैं भी लोगों को प्रभु कहता हूँ कि तुमको शांति मिले। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं फिर कहता हूँ कि तुमको शांति मिले। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जैसी भी परेशानी में है मेरे पिता, कैसे भी परेशानी में है मेरे प्रभु जी, कैसे भी समस्या है मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता ये लोग शांति पाए। बीमारी के कारण प्रॉब्लम में है मेरे पिता, या कर्जे के कारण प्रॉब्लम में है मेरे पिता, या किसी भी आर्थिक प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे पिता समस्या में है मेरे प्रभु जी, चिंता में है मेरे प्रभु जी, कलेश में है मेरे पिता, इसी घड़ी मेरे प्रभु जी इनको शांति मिलने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार तूने कहा आज मैं भी प्रभु वो जो अधिकार प्रभु तूने दिया मेरे पिता, उसी अधिकार के द्वारा मैं भी कहता हूँ जितने लोग प्रभु हमको देख रहे मेरे प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु इसी घड़ी प्रभु तेरी शांति आने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे परमेश्वर, जिस तरह मेरे प्रभु जी यूहन्न पत्रस ने कहा कि सोना चांदी हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हम हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। हाँ मेरे पिता, मेरे पास भी प्रभु जो तूने सेम पिन दिया मेरे पिता वो मैं देता हूँ कि इनको भी शांति मिले मेरे परमेश्वर। जितने लोग प्रभु हमारे साथ जुड़े मेरे पिता, चाहे कैसे भी जीवन में इनके तूफान चल रहा है मेरे पिता, कैसे भी समस्या इनके जीवन में चल रही मेरे प्रभु जी, तू जानता है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, हड्डी हड्डी और गुदे गुदे को तू जानता है मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, यस मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, जिसको जो भी परेशानी मेरे पिता वो इसी घड़ी शांति मिले मेरे पिता उनको मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता धन्यवाद मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो बीमारी में पड़े हैं मेरे पिता, चिल्लाते हैं मेरे पिता लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए मेरे पिता, आज उनको शांति मिले मेरे पिता। जो दर्द में है मेरे प्रभु जी, जो चिल्लाते हैं मेरे प्रभु जी, आज उनको शांति मिले मेरे परमेश्वर। जो किसी भी कर्जे में मेरा डूबे हो मेरे प्रभु जी, आज उनको शांति मिले मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो रातों रात प्रभु अपने अपने बिछौने पर प्रभु जागते रहते हैं मेरे पिता, सोचते रहते हैं मेरे प्रभु जी, टेंशन में रहते हैं मेरे पिता, उनको शांति मिलने पाए मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, तेरा अभिषेक मेरे पिता परमेश्वर के ऊपर तुमने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से। इतने लोग प्रभु हमको देख रहे पिता, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े मेरे पिता, आज उनके जीवन में प्रभु शांति आने पाए। ओ मेरे परमेश्वर पिता, खुदाबंद यीशु मसीह, तेरी सामर्थ्य उनके जीवन में उतर जाए मेरे पिता, तेरी शांति उनके जीवन में आने पाए पिता। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद पिता, आदर सम्मान हम आपको देते मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुनिया, सुना मेरे पिता और उत्तर दे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आदर सम्मान हम आपको देते पिता, तो आप प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया।